अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तानियों को मेरे तरफ ईद मुबारक अस्सलाम वालेकुम सारे ते हाल हैं सुन हाल हैं को दिल दी थाक रहे ना ईद मुबारक अस्सलाम वालेकुम सबनी सिंधी बहरन के ईद मुबारक अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्ताना बलोची दोस्ताना ईद मुबारक वेट अस्सलाम वालेकुम तमाम दगाड़ा ना टोल रोना फ्रेंड ता टोल पाकिस्तान ता अख्तर मुबारक शाह अस्सलाम वालेकुम तानू सारेयां नू साडे आलो ईद मुबारक रुकिए असल कहानी की शुरुआत तो कुछ इस तरह होती है चलिए देखते हैं उसी बनिस्बत हम एक व्लॉग बनाने जा रहे हैं जो मेरे साथ मेरे अहबाब मौजूद हैं मैं हसन हूँ और मैं पेशावर का रहने वाला हूँ कपड़े मैंने बलोच के पहने और अजरक मैंने सिंधी की पहनी है ये पाकिस्तान की शान है भाई ये मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मेहदी हुसैन है और मेरा ताल्लुक जो है वो गिलगित से है तो आप सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से सलमान अब्बासी अच्छा सलमान अब्बासी साहब मरी करने वाले इस्लाम आबाद पाकिस्तान से हैं और चलें आगे ईद पढ़ने जा रहे हैं हसन हाँ जी यार बाल बना के आया था पता नहीं किस तरह की हवा चली है इधर रास्ते में एसी भी नहीं चलाई आपको ऐसा लग रहा है कि हम जैसे शोखे मार रहे हैं बात दरअसल ये है कि बात है रसवाई की यहाँ पर ठंडा है तो उसी हिसाब से बाल मेरे बिखर गए हवा की वजह से मैं जब नहा लेता हूँ मेरे बाल नहीं बनते ऐसे अजीब लगते हैं इस अंकल का ये अंदाज पब्लिक प्लेसेस पे कबाब खाना आपको कुछ अजीब लगेगा मगर फिक्र ना करिए हम भी इनसे कुछ कम नहीं Thank you.
वतन को बुशरा की तरफ से ईद मुबारक। पहले वतन को मेरी तरफ से दिल की था गहराइयों से ईद मुबारक ओ पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, तानू सारियां नू साडियां नू ईद मुबारक। फिर यूं ही हमारे ईद का पहला दिन अपने अख्तिताम पे पहुंचता है। अगले व्लॉग्स में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, डी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।